दोस्तों सप्रेम जय भीम, हमें एडवोकेट सुधीर एफ साइडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों को तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं को हम धन्यवाद देते हैं। दोस्तों कविता हमारी इस सेगमेंट में हाल ही में ही हमने जो एक हिंदी कविता लिखी है, उस कविता को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस कविता को आज आपके सामने पढ़कर सुना रहे हैं। दोस्तों उस कविता का जो शीर्षक है वो शीर्षक है, लेकिन तुम्हारा वजूद तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ हमारे वजह से है। तो यह है हमारे हिंदी कविता का शीर्षक। कविता का शीर्षक लेकिन तुम्हारा वजूद तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ हमारे वजह से है। ऊंची खूबसूरत हवेलियों हम तुम्हारे नींव के मजबूत और विशाल स्वाभिमानी पत्थर है। ऊंची खूबसूरत हवेलियों हम तुम्हारे नींव के मजबूत विशाल और स्वाभिमानी पत्थर है। ऊंची हवेलियों तुम बहुत घमंडी हो रही हो। ऊंची हवेलियों तुम बहुत घमंडी हो रही हो और तुम अपने ऊंचाई पे और अपने खूबसूरती पे बहुत इतरा रही हो। तुम अपने ऊंचाई पे और अपने खूबसूरती पे बहुत इतरा रही हो। गरीबों के सलाम को तुम ठुकरा रही हो। गरीबों के सलाम तुम ठुकरा रही हो। ऊंची हवेलियों हम तो नींव के पत्थर है, इसलिए हमेशा जमी के भीतर ही रहते हैं। ऊंची हवेलियों हम तो नींव के पत्थर है, इसलिए हमेशा जमी के भीतर रहते हैं। इसलिए हमेशा हवेलियों में आने जाने वाले अमीर लोग हमें नमस्ते नहीं कहते हैं। इसलिए हमेशा हवेलियों में आने जाने वाले अमीर लोग हमें नमस्ते नहीं कहते हैं। ऊंची हवेलियों लेकिन तुम्हारा वजूद तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ हमारे वजह से है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। ऊंची हवेलियों लेकिन तुम्हारा वजूद सिर्फ ऊंची हवेलियों लेकिन तुम्हारा वजूद तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ हमारे वजह से है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। हमें इज्जत देना और हमारा सम्मान करना सीखो। महफिल में तुम हमारा जिक्र करना हर बार भूलती हो। ऊंची हवेलियों महफिल में हमारा जिक्र करना तुम हर बार भूलती हो। महफिल में तुम सिर्फ अमीर लोगों से मिलती हो। बगावत हमारे खून में है। बगावत हमें अपने बुजुर्ग पुरखों से विरासत में मिली है। हम बड़े बगावती पत्थर हैं। इन इमारतों के नींव में हम अकेले नहीं हैं। हम कुल 170,000 हैं। हमारे बिरादरी के बगावती और स्वाभिमानी पत्थरों ने कई ऊंची पुरानी घमंडी हवेलियों को कई बार अच्छा सबक सिखाया है। हमारे बिरादरी के बगावती और स्वाभिमानी पत्थरों ने कई ऊंची पुरानी घमंडी हवेलियों को कई बार अच्छा सबक सिखाया है। कई पुरानी ऊंची घमंडी हवेलियों के नींव से बाहर आकर इन पत्थरों ने
घमंडी, ऊंची और बड़ी कई पुरानी हवेलियों को नीचे जमी पे गिराया है। इन पत्थरों ने घमंडी, ऊंची और बड़ी कई पुरानी हवेलियों को नीचे जमी पे गिराया है। ऊंची खूबसूरत हवेलियों, हमें बार बार यदि तुमने नजरअंदाज किया। ऊंची खूबसूरत हवेलियों, हमें बार बार यदि तुमने नजरअंदाज किया, हमारा बार बार यदि तुमने सम्मान नहीं किया, तो हम न्यू के तमाम पत्थर, तुम्हारे अहंकार के खिलाफ, तुम्हारे गरुड़ के खिलाफ, तुम्हारे घमंड के खिलाफ, बगावत करेंगे। फिर जमी के भीतर से हम बाहर निकालेंगे अपने सिर, ऊंची हवेलियों, हम तुम्हारे खिलाफ अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेंगे। और हमारे बिरादरी के, तुम्हारे नींव के तमाम पत्थर, हम एक साथ नींव के बाहर पड़ेंगे और हमारे बिरादरी के, तुम्हारे नींव के तमाम पत्थर, हम एक साथ नींव के बाहर पड़ेंगे। ऊंची हवेलियों, हमारे नींव के बाहर आ जाने के बाद तुम नीचे जमी पे गिर जाओगी। ऊंची हवेलियों, हमारे नींव के बाहर आ जाने के बाद तुम नीचे जमी पे गिर जाओगी, जमीन दोस्त हो जाओगी, बिखर जाओगी। तुम्हारा अहंकार, घमंड, गरूर और अभिमान सब हो जाएगा खत्म। तुम्हारे खूबसूरत बदन पे फिर बनेंगे सैकड़ों गहरे जख्म। नीचे जमीन पे गिरने के बाद तुम विशाल मलबे के ढेर में तब्दील हो जाओगी। ऊंची हवेलियों, फिर तुम अपनी खूबसूरत पहचान खो जाओगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी अपनी हिंदी रचना, हिंदी कविता जो हाल ही में ही हमने लिखी है, जिसका शीर्षक है लेकिन तुम्हारा वजूद, तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ हमारे वजह से है। तो दोस्तों, यह हमारी अपनी हिंदी रचना, हिंदी कविता हमने आज ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से हमने प्रस्तुत की है, और यह हिंदी कविता हमने खुद लिखी है, आपको पढ़कर सुनाई है। तो हमारी यह हिंदी रचना, हिंदी कविता जो आज हमने कविता हमारी इस सेगमेंट में प्रस्तुत की है, यह हिंदी कविता आपको कैसे लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या हमारे मोबाइल फोन पे संपर्क करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर जरूर भेज सकते हो। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है। अब हमें एडवोकेट सुधीर एच ताड़े को इजाजत दीजिए। अगली बार कविता हमारी इस सेगमेंट में हम आपसे फिर रूबरू होंगे हमारी एक नई सुंदर हिंदी कविता के साथ, नवी सुंदर एक रचना के साथ। अब एडवोकेट सुधीर एच ताड़े को इजाजत दीजिए। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।